वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको हम 12 वोल्ट में 1500 VA का ट्रांसफार्मर का डेटा बताएंगे जो कि इन्वर्टर का है। तो दोस्तों, इसमें वाइंडिंग क्या होगी, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे और SWG क्या होगा, इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, 12 वोल्ट 1500 VA के ट्रांसफार्मर का डेटा कुछ इस तरह रहेगा। तो दोस्तों, इसमें कॉमन जो है जीरो टर्न से स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग टर्न जो होगा यहाँ से होगा और यहाँ पे 140 वोल्ट के लिए हम लोग 175 टर्न्स लेपटेंगे जो कि 17 नंबर का इसमें वायर होगा। दोस्तों, इसमें लोड होगा 1200 वाट, इसमें आप लोड दे सकते हैं और ये इसमें VA जो रहेगा 1500 VA रहेगा और यहाँ पे 220 वोल्ट अगर टेपिंग आप निकाल रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली चार्ज करने के सिस्टम बनाएंगे तो इसमें आप एक ऑप्शन और भी निकाल सकते हैं जो कि 220 वोल्ट टेपिंग यहाँ निकालेंगे जो कि रहेगा 275 टर्न्स पे और उसके बाद में 260 वोल्ट यानी कि यहाँ से आउटपुट निकल जाएगी और वो रहेगा आपका 325 टर्न रहेगा। यहाँ पे आउटपुट के लिए 325 टर्न लिपटेंगे और जितने इसमें वाइंडिंग में वायर रहेंगे वो वायर रहेगा आपका 17 नंबर का। इसमें प्राइमरी में जो वायर रहेगा वो रहेगा 17 नंबर का। अब दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी में हम लोग इस यहाँ पे वाइंडिंग जो करेंगे वो करेंगे बायफिलर वाइंडिंग, यानी कि दो तार एक साथ में हम लोग लेके वाइंडिंग करेंगे जो कि इसमें वायर रहेगा 10 नंबर का। 10 नंबर का तार से हम लोग वाइंडिंग करेंगे और यानी कि जो वायर इसमें टर्न्स होंगे 15 टर्न्स रहेगा। उसके बाद दूसरा जो वाइंडिंग रहेगा वो 15 टर्न्स रहेंगे। बायफिलर वाइंडिंग करना है, 15 टर्न्स लिपटेंगे, दो तार एक साथ में मिला के आपको 15 टर्न्स देना है। ये बायफिलर वाइंडिंग होगी और वायर इसमें 10 नंबर का रहेगा। अगर आपके पास में दोस्तों 10 नंबर का वायर नहीं तो ये काम कर सकते हैं, इसमें आप 13 नंबर का दो तार एक साथ मिला के भी वाइंडिंग कर सकते हैं। एक साथ में तार आप मिला देंगे 13 नंबर का तो वो 10 नंबर के बराबर हो जाएगी। तो दो तार एक साथ में आप इसमें वाइंडिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर बायफिलर वाइंडिंग करेंगे तो चार तार एक साथ में जाएगा और दो तार एक साथ में होगा और दो तार एक साथ में होगा। उस हिसाब से आप बायफिलर वाइंडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो कोर रहेगा, कोर का नंबर रहेगा 7 नंबर, इसमें जो कोर रहेगा 7 नंबर रहेगा। दोस्तों, इसकी जो साइज रहेगी यानी कि इसकी स्टेक जो रहेगी वो रहेगा 3 इंच में, इसका जो चौड़ाई जो रहेगा 3 इंच में रहेगा 7 नंबर। उसके बाद इसमें जो CRGO कोर रहेगा, कोर का जो वेट रहेगा वो 10 किलो रहेगा, यानी कि इसमें जो कोर रहेगा वो 10 किलो आपका नेट चला जाएगा। और इसमें वाइंडिंग करने के लिए अगर कॉपर वायर ले रहे हैं तो कॉपर वायर आपका रहेगा 1 किलो 900 ग्राम, इसमें वायर आ जाएगी। अब रहा दोस्तों, इसमें आप कौन सा PCB यूज करेंगे, तो PCB यूज करने के लिए अगर 12 वोल्ट 1500 VA का अगर PCB मिल रहा है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है तो एक काम कर सकते हैं, 1500 VA 24 वोल्ट का PCB आता है उसको आप लगा सकते हैं। सिंपली एक वर्क करना पड़ेगा, यानी कि उसमें जो इनपुट होता है IC के पिन नंबर 3 में लो बैटरी सेंसिंग और बैटरी लेवल के जो सेंसिंग इनपुट होती है वहाँ पे आपको काम करना होगा। 12 वोल्ट के जो रेजिस्टेंस लगते हैं यानी कि 11K का रेजिस्टेंस आपको निकाल देना है, 27K का रेजिस्टेंस रहता है कंपनी का 24 वोल्ट में, उसको आप निकाल दीजिएगा और वहाँ पे 11K का आप एक रेजिस्टेंस डाल दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका पास 11K का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, 10K का और प्लस उसमें 1K का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ के भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 24 वोल्ट की किट को आप 12 वोल्ट में भी कन्वर्ट करके आप उसका यूज कर सकते हैं और बढ़िया ये वर्क करेगी। सिंगल बैटरी में आपको इसको यूज कर सकते हैं डबल बैटरी का लोड, लेकिन दोस्तों इसमें बैटरी का जो वायर होगा उसको आपको 16mm का वायर का हिसाब से वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर पतली होगी तो लोड नहीं लेगा, क्योंकि 24 वोल्ट का 12 वोल्ट में लोड दे रहे हैं तो एम्पियर उसकी बढ़ जाएगी, यानी कि जो अगर मान ली 10 एम्पियर है तो उसमें 12 वोल्ट में वो 20 एम्पियर हो जाएगा, इसीलिए आपको 16mm का वायर वहाँ पे देना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, जय हिंद जय भारत।